हेलो दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने चैनल में जिसका नाम है अनबॉक्स फॉर टेक। तो दोस्तों, ये वीडियो आपके बहुत ही काम की चीज़ है क्योंकि इसमें आपको हम बताएंगे सर्टिफिकेट आप घर बैठे कैसे ले सकते हैं, वो भी ऑनलाइन, वो भी फ्री। कुछ एग्जाम देना पड़ेगा जिस एग्जाम को हम आपको पूरा इसमें आंसर के साथ आपको पूरा सॉल्व करके बताएंगे और आपको बस वैसे वैसे आपको फॉलो करना है और सेम वही प्रोसेस करके आप घर बैठे अपना सर्टिफिकेट ले सकते हैं। और दोस्तों, आपको बता दें आगे और भी ऐसे कई वीडियो आने वाले हैं जिसमें आपको कई नामी कंपनियां, कई बड़े कॉलेज का नाम सर्टिफिकेट आपको हम लेके दिखाएंगे और कैसे आप ले सकते हैं इसके बारे में बताएंगे। आगे आने वाले वीडियो में हम आपको गूगल से भी सर्टिफिकेट लेके दिखाएंगे। तो दोस्तों, ये वीडियो आपके बहुत ही ज्यादा काम की है, आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। तो दोस्तों, आइए बिना समय गवाए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो दोस्तों, आप जब लिंक पे क्लिक करेंगे, लिंक पे क्लिक करने के बाद से आपके पास जो पेज खुलेगा उस पेज में देखिए, ये पूरा पेज खुल गया है, इसमें आपके क्वेश्चंस भी हैं। तो पहले आपको इसमें नाम डालना पड़ेगा, नाम के बाद आप ईमेल आईडी डालेंगे, ईमेल आईडी पूरा आप जो भी भर देंगे, डिस्क्रिप्शन जो भी इसमें भरना है वो सब आपको भर देना है, कोई चिंता नहीं है। इससे कोई आपका कोई भी डाटा नहीं लिख रहा, कुछ भी नहीं हो रहा है, सिंपली आपसे पूछा गया आपका ईमेल आईडी, ना आपसे कोई पासवर्ड पूछा गया ना कुछ पूछा गया, आप सिंपली इसमें अपना नाम और अपना ईमेल आईडी डाल सकते हैं। अब डालने के बाद से आप नीचे आइए और ये देखिए, ये हमारे क्वेश्चन शुरू हो गए हैं। तो ये जो क्वेश्चंस हैं, ये क्वेश्चन कोविड 19 पे पूछे गए हैं और इसका आंसर भी हम आपको पूरा इसमें डिटेल में देंगे। और दोस्तों, आप इसका जो लिंक है वो आप हमारे डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हैं, इसमें डिस्क्रिप्शन में हर एक वीडियो के हिसाब से 1, 2, और 3 करके लिखा गया है। हम आपको 3 सर्टिफिकेट इस वीडियो में दिलाएंगे, इसमें हम आपको पूरा आंसर दे रहे हैं, आप इसको आराम से देखिएगा। और हो सकता है कि इसमें जैसे 1 के जगह पे 2 का क्वेश्चन आ सकता है आपके में, या फिर 2 के जगह पे 3 का आ सकता है। जब आप लिंक से खोलेंगे तो हो सकता है कि आपके में क्वेश्चन बदल के दिया जाए, पर क्वेश्चन सेम रहेगा और उसका जो नंबरिंग होगी हो सकता है वो ऊपर नीचे कर दी जाए। तो आप इससे देख के आराम से इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप पूरा देखा इसको और इसमें हमने आपको पूरा दिखाया कि कैसे आप ये पहला सॉल्व कर सकते हैं, अब हम आपको ये पहला वाले का सर्टिफिकेट लेके आपको दिखा देते हैं कैसे ले सकते हैं। तो आप जैसा कि देख रहे हैं इसको, जब नीचे की तरफ आप देखेंगे एक लिंक मिल जाता है जिसमें आपको ये देखिए मेंटेनेंस का लिखा हुआ है, ये सब बस आपको इस पर क्लिक करना है। जब आप इस पर क्लिक करते हैं तो ये देखिए एक पेज खुल के चला आता है, बस आपको इस पेज में ये जो लिखा हुआ, ये जो ब्लैंक है, इसमें आपको बस अपना ईमेल एड्रेस डालना है। हम ईमेल एड्रेस डाले हैं तो ये देखिए, हमारा ईमेल एड्रेस डालने के बाद से नीचे की तरफ एक ऑप्शन आ रहा है सर्च करने का, अब हम सर्च करते हैं और ये देखिए हमने सर्च किया और ऊपर की तरफ देखिए लिख के आ गया है क्लिक हियर डाउनलोड सर्टिफिकेट, मतलब हमारा सर्टिफिकेट यहाँ पे बन चुका है। तो दोस्तों, आपको बता दें ये जो सर्टिफिकेट है ये आपको 6 घंटे बाद ही मिलेगा, ये हम आपको तुरंत ही दिखा रहे हैं इसमें, पर इसमें आपको सर्टिफिकेट आपको 6 घंटे बाद ही मिलेगा। तो इसके लिए आप परेशान ना होइएगा, इसके लिए आपके पास ईमेल पे भी नोटिफिकेशन आ जाएगा कि आपका सर्टिफिकेट आ चुका है। तो आइए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, हम आपको दूसरा सर्टिफिकेट भी दिला देते हैं। तो आपको दूसरे में सबसे पहले आपको अपना डिटेल भरना पड़ेगा, जैसे कि आप पिछले पेपर के लिए किए थे, बस सेम आपको करना है और कुछ भी नहीं करना है। और आप पेपर शुरू हो जाएगा और जैसा कि आप देख रहे हैं पूरा पेपर शुरू हो चुका है और ये सब जो क्वेश्चंस हैं एकदम सही है, कोई भी चीज़ की परेशानी नहीं होगी, इससे आपको पूरा नंबर मिलेगा। आपको बस जैसे जैसे इसमें किया गया बस वैसे वैसे कर दीजिएगा। और जैसा कि आपने ये पूरा कर लिया है तो आप करने के बाद से इसको सबमिट कर दीजिए। नीचे की तरफ देखिए प्लेज लिखा हुआ है, ये भी आपको प्लेज ले लेना है, उसका सबमिट कर देना है। अब सबमिट करने के बाद से आपके ईमेल पर तुरंत ही नोटिफिकेशन आ जाएगा और आप नोटिफिकेशन से जाके तुरंत आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा। अभी दूसरा जो आप सॉल्व किए हैं इसके लिए आपको कोई भी कहीं भी नहीं जाना, आपके ईमेल पे सीधे आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा। सेम यही तरीका आपको तीसरे भी पेपर के लिए करना है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं हम ईमेल पे आ चुके हैं और ईमेल पे हमको ये अपना सर्टिफिकेट मिल चुका है। आपको फिर से बता दें, आप इसका जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आइए दोस्तों, अब तीसरे पेपर की ओर चलते हैं।
और सेम उसमें भी ऐसे ही डिटेल भरना है। डिटेल भरने के बाद से आपका पेपर शुरू हो जाएगा। और जैसा कि आप देख रहे हैं, यहाँ पेपर शुरू हो चुका है। इसमें ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है और आप आराम से इसको सॉल्व कर सकते हैं। इसमें जो भी आंसर बताए गए हैं एकदम सही है, आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी। और जैसा कि देख रहे हैं आप भर चुके हैं। और लास्ट में आपसे ये आपसे पूछ रहा है लास्ट क्वेश्चन में कि आप इनके तरफ से जो प्रोग्राम चलाया गया है वो आपको अगर अच्छा लगा तो यस करिए और ख़राब लगा हो नो कर दीजिए। तो अगर आप चाहिए तो नो भी कर सकते हैं, यस भी कर सकते हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। यस करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और उसके बाद से नेक्स्ट कर दीजिए। नेक्स्ट करने के बाद से आपका देखिए व्यू स्कोर आ गया है। अब स्कोर अगर आप देखना चाहिए तो आप देख सकते हैं। वैसे आपको कोई चिंता नहीं है कि जीमेल पे मैसेज चला गया है और आपके अपना जीमेल चेक कर लीजिए। इसके बाद से जैसे ही आप इसको सॉल्व करेंगे वैसे ही आप जीमेल अपना चेक करिए और आपके पास सर्टिफिकेट आ जाएगा। जैसा कि हम आपको दिखा दे रहे हैं, ये देखिए मेरा ईमेल पे मेरा सर्टिफिकेट आ चुका है और ये देखिए यहाँ पे शो हो रहा है। बस सेम तरीके से आपको करना है। तो जैसा कि हम जैसा जैसा हमने आपको बताया है वैसे वैसे आप सॉल्व कर लीजिएगा। तो हम आपको सर्टिफिकेट दिखा दे रहे हैं कि सेम ऐसे सर्टिफिकेट आपको भी मिलेगा। इसमें नाम हम ब्लर कर चुके हैं क्योंकि ये हम अपने घर में किसी का सर्टिफिकेट हम लिए थे, उनका ये सर्टिफिकेट है तो नाम हम इसको ब्लर किए हुए हैं। आप इसको आराम से ले सकते हैं सर्टिफिकेट। आपको सेम यही आंसर देना है जो हम इसमें आंसर दिए हैं और कुछ भी आपको नहीं करना है। बहुत ही आराम से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो दोस्तों अगला वीडियो जो आने वाला है उसमें हम आपको गूगल से सर्टिफिकेट लेके दिखाएंगे कैसे आप सर्टिफिकेट ले सकते हैं। उसमें आपको मिलेगा डिजिटल मार्केटिंग का सर्टिफिकेट, आपको हम गूगल से लेके दिखाएंगे और वो सर्टिफिकेट आपको बहुत ही आराम से और बहुत ही ईजी तरीके से मिल जाएगा। कुछ क्वेश्चन उसमें भी आते हैं जो क्वेश्चन हम आपको सॉल्व करके भी दिखाएंगे और कैसे आप उसको सॉल्व कर सकते हैं ये भी बताएंगे और पूरा उस वीडियो में हम पूरा डिटेल देंगे। तो दोस्तों इस वीडियो को आप लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा क्योंकि इसके बाद जो वीडियो आने वाला है वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा काम का है क्योंकि डिजिटल मार्केटिंग का सर्टिफिकेट बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है किसी भी एक जो भी मार्केटिंग इंडस्ट्री में है उसके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो आप समझ सकते हैं, तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी इसके बारे में कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दीजिएगा और आपको कोई भी डाउट है या फिर कोई भी आपके सजेशन है तो उसके बारे में भी हमको कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और दोस्तों ये वीडियो आपके लिए ही बनाई गई है तो दोस्तों लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। थैंक यू। जय हिंद।